कार आपका स्वागत है युव तरंग में आपके साथ मैं हूँ शिखा शर्मा युवा साथियों हम सभी के जीवन में बहुत सारी चुनौतियां होती हैं जिनका हमें सामना करना होता है हमें मेहनत करनी होती है और लक्ष्य को भी प्राप्त करना होता है लेकिन ये सब कर पाना तभी संभव होता है जब हम सेहतमंद होते हैं हमारा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना ही हमें बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाता है और हम हमारे लक्ष्य के करीब जाते हैं और लक्ष्य को प्राप्त करते हैं पहला सुख निरोगी काया ये कहा भी जाता है लेकिन निरोगी काया रखने के लिए स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन रखने के लिए क्या किया जा सकता है और युवावस्था में तो हमारा स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी बन जाता है तो इसका एक माध्यम है योग जो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में हमारी बहुत मदद करता है योग से आप कैसे जुड़ सकते हैं कौन सी समस्याएं हैं जिनका समाधान आपके लिए योग लेकर आ सकता है और कैसे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योग के माध्यम से सेहतमंद रह सकते हैं चर्चा होगी आज इन्हीं बातों पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आज खास मेहमान आचार्य योग आचार्य हेमंत जी हमारे साथ हैं आप भारत सरकार द्वारा प्रमाणित योग निर्णायक हैं और भारत सहित सात देशों में आप ऑनलाइन सिखाते हैं योग सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में धन्यवाद आपका बहुत बहुत जी हेमंत जी जब बात आती है योग की तो सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे कि योग है क्या योग जैसा शिखा जी आपने पूछा कि योग क्या है तो प्राचीन काल में जब से मनुष्य का प्रादुर्भाव इस संसार में इस पृथ्वी पर हुआ है लगभग दो अरब साल पहले मनुष्य जाति संसार में अस्तित्व में आई तब से मनुष्य के विकास का उसके जीवन शैली में जो अच्छे सुधार की जो प्रक्रिया चली वह प्राचीन योग के नाम से प्रचलित हुई धीरे धीरे क्योंकि इस जीवात्मा को तीन साधन परमात्मा ने दिए हैं एक हमारा ये जो दिखने वाला शरीर है और एक हमारा मन है जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन कार्य बहुत सारे करता है और एक यहाँ जो बुद्धि होती है इन तीनों को अच्छा सशक्त रखना इन तीनों को एक अच्छी आदर्श स्थिति में रखना और इन तीनों को एक दूसरे से जोड़ करके रखना यह एक बहुत सुंदर पद्धति इसको योग कहते हैं और जब और आगे की ऋषि और महर्षियों के ग्रंथों की चर्चा की जाए महर्षि पतंजलि जी के ग्रंथ की चर्चा की जाए वो कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोध है चित्त में आने वाली समस्त प्रकार की वृत्तियों को रोक देना ही योग है अर्थात समाधि को प्राप्त करना योग है और यदि भगवान कृष्ण चंद्र जी के श्रीमद गीता के हिसाब से देखा जाए तो वो कहते हैं समत्वम योग उच्चते समता अर्थात बैलेंस को योग कह रहे हैं जी। अब जीवन के भी अगर कर्म क्षेत्र में भी हम काम कर रहे हैं कर्म योग कर रहे हैं तो हम सब जीवन के हर पहलू का बैलेंस बना के चले तब तो योग हुँ। हुँ। योग होगा और यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर अयोग की स्थिति जैसा व्यक्ति भीतर से भी अशांत है तो बाहर भी अशांति ही फैलाएगा तो हमारे मन शरीर बुद्धि सबको योग जोड़ देता है और हमें ऐसा बनाता है कि हम अपने जीवन में हर चुनौती को हम पार कर सकें और लक्ष्य की ओर चलते जाएं तो योग की आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि किस तरीके से हमें एक नई राह दिखाता है और सकारात्मक बनाता है तो अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे युवाओं के लिए योग करना कितना ज़रूरी बन जाता है युवाओं के लिए योग करना उतना ही जरूरी है जितना एक भूखे व्यक्ति को भोजन करना जरूरी है क्योंकि एक मशीन हो और उस मशीन में आप उस मशीन से काम तो लेते रहे लेकिन आ, उसको आप ऑयलिंग ग्रीसिंग ना करें और कभी कभी आपका मन करे तो उसमें फ्यूल भी ना भरे फ्यूल ना भरेंगे तो थोड़े से में अटक जाएगी जैसा तैसा भर देंगे लेकिन बाद में उसकी ऑयलिंग ग्रीसिंग सर्विसिंग ना कराए तो कितना समय गाड़ी चलेगी नए से नई गाड़ी अच्छे से अच्छी गाड़ी भी उसकी जितनी लाइफ बताई गई है उससे आधी लाइफ में ही चलेगी इसी प्रकार से मनुष्यों के जो जीने का एक विधान दिया हुआ है जी। वेद के माध्यम से योग का प्रादुर्भाव हुआ और प्राचीन काल से ये दो पद्धतियां एक अष्टांग योग या राजयोग की पद्धति और एक हठय योग की पद्धति आज हठय योग सबसे ज्यादा आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के आसन करते हुए और युवाओं में तो कुछ ज़्यादा ही मैंने देखा कि कठिन कठिन आसन करते हुए फोटो आदि खिंचवाते हैं लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो युवाओं को योगासनों की और प्राणायाम की और ध्यान की बहुत आवश्यकता है एक अष्टांग योग की पद्धति बल्कि इसकी ज़्यादा ज़रूरत है कठिन आसन जो कर ले वो बड़ा योगी ऐसा नहीं है कठिन आसन तो जो सर्कस वाले होते हैं वो भी बहुत उससे भी ज़्यादा कठिन कर लेते हैं लेकिन ये कसौटी नहीं है कसोटी है व्यक्ति भीतर से कितना शांत है अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमों का और शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर नियमों का महर्षि पतंजलि जी ने जो योग दर्शन में बताया है वो यदि भीतर से आचरण में ही नहीं है उसका आचरण पवित्र नहीं है मन पवित्र नहीं है बुद्धि पवित्र नहीं है और कर्मों में उसके शुचिता नहीं है शुद्धता नहीं है तो फिर कोई योग नहीं और यदि भीतर से पवित्र है और अपने शरीर को साधना चाहता है तो योगासनों का भी अभ्यास करे और व्यक्ति व्यायाम भी करे सुबह उठ करके इसके लिए हम एक कई बार एक चीज कहते हैं हठ के कई आसनों का एक एक शब्द में लाभ बताते हैं विद्वान ने कहा वो कहते हैं सुन लो सुन लो काम की बात योगासन के बहुत है लाभ तन मन रखे निर्विकार करे रोज सूर्य नमस्कार अंतर मन में हो अनुशासन जब हम करते पद्मासन भोजन का हो अच्छा पाचन नित्य करे जो वज्रासन करे फेफड़े अच्छा काम रोज करेंगे प्राणायाम ओज से मस्तक दमकाती बड़े काम की कपाल का भाती स्नायुओं में रहे तरी जब हो गुंजित भ्रामी लंबाई का पाता धन नित्य करे जो ताड़ासन रीढ़ में आए लचीलापन कर ले नित जो हल आसन सर्व अंग पुष्टि का साधन होता है सर्वांगासन जोड़ों का अच्छा करता नित जो गरुड़ासन उधर अंग का हो नियमन उधर यानी पेट उधर अंगों का हो नियमन जो करता नित मयूरासन याददाश्त होती अनुपम जो नित करता शीर्षासन कमर लचीली का साधन होता है त्रिकोणासन चौड़ी छाती का साधन रोज लगाओ दंडासन मन का होता शुद्धिकरण जो करता नित्य सिद्धासन हो थकान का पूर्ण शमन अंत में कर लो शव आसन रिलैक्सेशन अब बहुत आसन करके व्यक्ति थक गया चार पांच आसन प्रतिदिन करे बहुत है सूर्य नमस्कार करे थोड़ा प्राणायाम करे रहे अंत में हो थकान का पूर्ण शमन अंत में कर लो शव आसन और अंत में रख लो याद यम नियम बिन बने न बात करे योग का नित्य प्रयोग दूर रहेंगे सारे रोग आदि व्याधि से ना होंगे त्रस्त तन मन होगा पूरा स्वस्थ सुन लो सुन लो काम की बात योगाभ्यास के बहुत है लाभ सुन लो सुन लो काम की बात आ, तो यम नियमो काम पालन करें और थोड़ा व्यायाम आदि या फिर योगासन प्राणायाम को कर आपने ध्यान इतने अच्छे स्वर में जो हमारे युवाओं को समझाया है तो उन्हें जरूर समझ आएगा होगा कि उन्हें योग से जुड़ना चाहिए और कितने लाभ हैं उनकी हर समस्या का समाधान छुपा हुआ है योग में तो सर आपने जैसे अभी हमें ये बताए सारे लाभ तो हमें कितने समय तक हमारे युवा साथियों को योग करना चाहिए देखिए शुरू में जो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे हैं ऐसे सभी लोगों को मैं उनको सुझाव दूंगा कि प्रतिदिन दस मिनट निकालें अपने शरीर के लिए ये दस मिनट बिल्कुल वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कह रहा हूं कि व्यक्ति सोचे एक घंटा एकदम से कैसे निकालेंगे बहुत व्यस्त व्यक्ति है अथवा बहुत देर से उठता है तो एक घंटा प्रतिदिन पॉसिबल प्रति नहीं होता उसके जी। क्योंकि अपने को ऐसा शुरुआत करने की कंटिन्यू चलती रहे ऐसी नहीं शुरुआत करने की चार दिन के बाद ही वही बोझ बनने लगे तो शुरुआत दस मिनट से करें

ऐसा सिस्टम है कि अगर ये खराब तो दिमाग भी खराब और दिमाग खराब तो सारा दिन खराब इसीलिए कुछ मंडू का आसन अग्निशार ऐसे कुछ अभ्यासों को करें फिर धीरे धीरे जब उसका दस मिनट से पंद्रह बीस मिनट का करें तो उसमें सूर्य नमस्कार भी करें हफ्ता भर दस मिनट निकाले हफ्ते भर बाद पंद्रह बीस मिनट या आधे घंटे तक समय तो मैं सबको सजेस्ट करता हूं कि एवरेज आधे घंटे का समय निकालें शुरुआत दस मिनट से करें हम्म तो युवा साथियों आपको दस मिनट का समय निकालना है शुरुआत में और इसके बाद आप उसे आधे घंटे तक ले जाओ बाद में तो जब आपको आनंद आने लगेगा योग करने में तो फिर आप योग से जुड़ते जाएंगे एक घंटा रोज करना फिर। जी फिर इसके बाद जैसे आचार्य जी कह रहे हैं कि एक घंटा रोज आ, करना है तो आप तेईस घंटे अच्छे रहने हैं तो एक घंटा अपने लिए निकालो फिर न दवाई की कोई झंझट होगी अगर किसी की दवाई चल भी रही हो तो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी क्योंकि शरीर में प्राण शक्ति बढ़ जाएगी तो बाहर की दूसरी जो आर्टिफिशियल ड्रग्स हैं ये नहीं लेनी पड़ेगी कोई कितना ही बीमार हो यदि बैठे बैठे भी थोड़ा थोड़ा प्राणायाम करे तो उसको थोड़े दिन में ही अच्छा स्वास्थ्य महसूस होने मैं तो करवाता हूँ इतने सारे लोगों को तो वो कहते हैं बोले पहले दिन से हमारे अंदर एनर्जी चार्ज होने लग गई जो कि कई कई हजारों की दवाइयों से नहीं हो पाती वो प्राण क्योंकि प्राण शक्ति तो कुदरती है ना प्रकृति से ज्यादा बड़ा तत्व कौन सा होता है परमात्मा से ज्यादा बड़ा तत्व कौन है संसार में तो इसीलिए ये प्राण शक्ति बूढ़े हो अथवा बच्चे हो अथवा और नौजवानों के लिए तो बहुत जरूरी है तो आपने अभी जैसे शरीर से जुड़े हुए रोगों की बात की अब एक समस्या आजकल हम देखते हैं कि हमारे युवा बहुत चिंतित रहते हैं कुछ मानसिक रूप से भी परेशान रहते हैं हम डिप्रेशन भी देखते हैं तो इन सब से बचने के लिए कौन से योग के आसन है जो वो कर सकते हैं और उन्हें कितना समय देना चाहिए देखो ऐसा है इसमें जैसे मैंने अभी एक कविता का पाठ किया आदि व्याधि से न होंगे त्रस्त तन मन होगा पूरा स्वस्थ आदि और व्याधि यानी मन की और शरीर की दोनों की बीच

कि मानसिक रोग जो टेंशन है तनाव है स्ट्रेस स्ट्रेस है डिप्रेशन है एन्जाइटी है इसके लिए कैसे कैसे आसनों का अभ्यास करना चाहिए तो इसके लिए सबसे पहले तो सूक्ष्म आयाम का हम आठ का सेट करवाते हैं जैसे ये क्योंकि इससे क्या होता है रक्त का संचार पूरा चल करके ब्रेन और हार्ट दोनों को प्रभावित करता है फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे पहले ही दिन से और उसके अलावा भ्रामरी उद्गीत और अनुलोम विलोम का अभ्यास कराते हैं जिनका मन मन जो है बहुत ज़्यादा अशांत रहता है व्यक्ति को हम चंद्र भेदी का अभ्यास कराते हैं कैसे कराते हैं राइट को हम करवा देते हैं बंद और लेफ्ट वाले से श्वास को भरते हैं गहरा बहुत गहरा बहुत गहरा धीरे धीरे बहुत गहरा धीरे धीरे भर लेते हैं और इसको रोकना नहीं है और आपको इसको राइट से बाहर छोड़ देना है जी। फिर से इसको बंद करके लेफ्ट से भरना है बहुत गहरा बिल्कुल आराम से शांत भाव से आंखें बंद करके और फिर राइट से बाहर छोड़ देना फिर लेफ्ट से भरना फिर राइट से बाहर यदि और ज्यादा किसी को ज्यादा चंचलता है बिल्कुल एक मिनट भी मन नहीं लगता तो क्या करें लेफ्ट से भरे और लेफ्ट से बाहर लेफ्ट से भरे लेफ्ट से बाहर ये चंद्र स्वर है मस्तिष्क को कर देता है शांत तो व्यक्ति थोड़ी देर बैठने की स्थिति में आता है फिर डिप्रेशन और स्ट्रेस और एंजाइटी का यही कारण है दिमाग को चक्री की तरह चलाता है व्यक्ति ये ऐसा हो गया तो क्या होगा नेगेटिव सोचता है तो पहले तो किसी काम को टाले नहीं जी। अपने स्वास्थ्य के खराब होने का एक बहुत बड़ा कारण होता है कि व्यक्ति क्या अपने कामों को टालता जाता है इसको कल करेंगे आगे देखेंगे ऐसा ना करें पहला ये लाइफ स्टाइल में डालें कि अभी करना है तो करना है अभी नहीं करना है तो फिर कल व्यवस्थित रूप से करेंगे तो कैसे करेंगे पूरी व्यवस्था करें और फिर योगाभ्यास में एक शशकासन का अभ्यास करें शशक आसन अर्थात वज्रासन में जब हम बैठते हैं तो दोनों हाथों को ऊपर उठाकर सांस भर के और फिर श्वास पूरा बाहर छोड़ करके ऐसे हथेलियों को जमीन पर रख देते हैं और फिर श्वास सामान्य आँखें बंद और माथा जमीन को टच करता है नासीिका भी जमीन को और ऐसी स्थिति में थोड़ी देर बैठे रहें एड़ियों को नितंब छूते हुए हो और इस प्रकार से उस स्थिति में बिल्कुल शांत कुछ नहीं सोचना बिल्कुल स्लोली स्लोली जो श्वासें चल रही है सामान्य रूप से उनको चलने देवे मस्तिष्क ऐसा शांत हो जाएगा

कर रहा है हमें करते हैं जैसे ऐसे देखो फिर दूसरी बार फिर श्वास भरे फिर इसी प्रकार से फिर तीसरी बार फिर इसी प्रकार से फिर एकदम से आँखों को ना खोलें ये तो हम अभी आपको कार्यक्रम में बता रहे हैं इसीलिए फिर चार पाँच छः सात आठ दस बार तक इसको करें और पाँच मिनट में हो जाता है इसको करेंगे ये भ्रामरी का अभ्यास है यह भ्रामरी यानी भ्रमर की तरह भ्रमर का मतलब होता तो भंवरा भँवरे की जैसी आवाज़ निकलने वाली क्रिया है लेकिन ये आपके सिंपथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम अनुकंपी परानुकंपी दोनों सिस्टम्स को इतना बढ़िया सुंदर इसको कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा बैठा देते हैं कि तनाव एनजाइटी डिप्रेशन स्ट्रेस का कोई सवाल ही नहीं अगर किसी होगा वो भी खत्म हो जाएगा इतनी बढ़िया क्रिया जी आचार्य जी तो आपने मस्तिष्क से जुड़ी हुई बात तो हमें बता दी कि कैसे हम हमारी मानसिक जो भी परेशानियां हैं उन्हें दूर कर सकते हैं और कौन कौन से आसन हम कर सकते हैं और उसके बाद हम बहुत अच्छा फील कर सकते हैं मस्तिष्क के साथ एक बात आती है हमारे दिल की तो आजकल हम देखते हैं कि हमारे युवा साथियों को भी दिल की बीमारी होने लगी पहले कहते थे कि एक उम्र आएगी उसके बाद दिल की बीमारी होगी लेकिन आजकल ऐसे केसेस सामने आते हैं जब हमारे युवा साथी भी दिल की बीमारियों का सामना कर रहे हैं तो उनके लिए कौन से आसन कर सकते को दिल की बात की जाए तो हृदय हृदय की बात यदि की जाए तो हृदय में ज्यादातर जो समस्याएं आती हैं वो आती है उसके वाल्व के ब्लॉक होने की है ना जो साइलेंट अटैक जो जिनके आता है ना उन साइलेंट अटैक वालों के लिए सबसे ज्यादा उनके वाल्व ब्लॉक होते हैं शरीर में पूरे शरीर में या, जब भी कोई समस्या आती है तो अगर रक्त अभिसंचरण तंत्र में आती है जिसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं यदि उसमें आती है तो रक्त का थक्का जमता है तो कहीं गांठ हो जाती है है ना तो ऐसे हार्ट में भी जब इजेक्शन फैक्शन होता है जब पूरा प्रॉपर अगर उसकी सिस्टम काम नहीं कर रहा होता है लेकिन अभी पता नहीं लग रहा व्यक्ति का जब आधे से ज्यादा सिस्टम खराब हो चुका होगा हार्ट के आसपास का तो कुछ चीजें क्या होती है कोलेस्ट्रोल बैड कोलेस्ट्रोल बढ़ जाता है ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है ना ब्लॉकेजेस आ जाते हैं धीरे धीरे और फिर हार्ट की पंपिंग डिस्टर्ब होने लगती है तो ऐसी स्थिति में एक तो सूक्ष्म एहम काम करता है मैंने कोलेस्ट्रोल वाले कितने ही लोगों मैंने उनको कहा आज रिपोर्ट कराओ और एक महीना मैं जो करा रहा हूँ एक महीने बाद कराना आपके कोई सी सिंगल दवाई नहीं बोलूंगा मैं आपको केवल मेरे साथ योग की क्रियाएँ करो वही आचार्य धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की मैंने जो सौ साल पहले उन्होंने बनाई थी वही मैंने आज को करवा के और एक महीने बाद मैं तो क्या प्री और आफ्टर रिपोर्ट्स पर भरोसा करता हूँ पढ़ा लिखा हूँ लॉ ग्रेजुएट हूं, हूं तो मैं तो क्या सबूत पर विश्वास करता हूँ ऐसे नहीं कि कहीं लिखा हुआ है मैं कहता हूं मैं करूंगा आफ्टर रिपोर्ट भी मुझे दिखाना मैं संतुष्ट रहूंगा तो मैं कहूंगा कि आए, तुम्हें फायदा है। तो आफ्टर वाली रिपोर्ट और प्रिय वाली को मैच कराता हूँ कहता हूँ देखो फायदा है कि नहीं तो बोले आप मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं डॉक्टरों को चैलेंज कर रहा हूँ मैं तो ये कह रहा हूँ अपनी प्राचीन पद्धति है भैया इसका फ़ायदा मिलता है मुफ्त में मिलता है उठा लो और युवाओं के लिए तो बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा स्ट्रेस प्राइवेट ऑफिसिस में कंपनियों में और परिवारों में विवाह हो जाता है व्यक्ति के ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आ जाती है बहुत सारी चीज़ें होती है संतान होती है बहुत सारी चीज़ें होती है तो युवाओं के लिए तो सबसे ज़्यादा योग इसी प्रभावशाली है क्योंकि उनके हार्ट को और ब्रेन को मैं तो चार चीजें कहता हूँ कि हार्ट ब्रेन लिवर और किडनी ये चार ठीक है तो आपका शरीर लगभग आपका संभला हुआ है और अगर आचरण में आपके सत्य पवित्रता और आंतरिक रूप से शांति है संतोष है तो आपका जीवन पूरा संभला हुआ है तो ऐसा मेरा मानना है जी तो दिल की बीमारी का समाधान भी समाधान में, में अगर कहें तो एक तो अनुलोम विलोम प्रतिदिन करें जी बीस मिनट कंटिन्यूटी के साथ शुरुआत पांच मिनट से करें हफ्ते दस दिन में बीस मिनट हो जाएगा और और एक करें और तीन से चार आसन है। अगर युवा लोग हैं कोई विशेष कोई समस्या नहीं हो रही तो सूर्य नमस्कार हम प्रतिदिन पांच से सात बार करना चाहिए जी। उसके लिए और उसके अलावा दो तीन आसन ऐसे हैं जैसे कंधरासन हार्ट को अच्छा रखता है हाई बीपी नहीं होने देता है ना उसके अलावा जिनको लो बीपी की ज्यादा समस्या रहती है युवाओं में मैंने देखा है क्योंकि मेरे पास तो रोज पेशेंट आते हैं तो देखता हूँ तो लो बीपी वालों को हम ताड़ा सदी का अभ्यास कराते तो लो बीपी शांत हो जाता है जी। और फिर रही बात अनुलोम विलोम के अलावा भ्रामरी उद्गीत भी करें तो भी स्ट्रेस डिप्रेशन एनजाइटी समाप्त हो जाता है और वो उसका प्रभाव हार्ट पर विशेष रूप से पड़ता है और हम तो हमारी कक्षा में अंत में हास्यासन भी करा देते हैं खुल करके हंसवा देते हैं और मैं तो एक बात बोलता हूं भैया ध्यान रखना अभी खुल के नहीं हंसोगे अभी अगर खुल के नहीं हंसोगे तो फिर डॉक्टर तुम्हारा दिल खोल डालेगा और फिर टाके और लगाएगा तो इसीलिए मैं ये और बोलता हूं कि भैया खुल के हंसोगे हाँ आपका हार्ट भी अच्छा रहेगा आपका ब्रेन भी अच्छा रहेगा बाकी तो भगवान के हाथ में है चीजें आप जितना कर सकते हो करो अच्छे से अच्छे प्रयोगों को करके अपने हार्ट और ब्रेन दोनों को अच्छा बनाओगे तो आपकी जीवन में कोई भी किसी भी क्षेत्र में आप परफॉर्मेंस दोगे बहुत अच्छी रहेगी और ऐसे असमय हार्ट अटैक नहीं आएगा पहले सौ साल में नहीं आता था अब तीस चालीस पचास साल के अंदर अंदर आ जाता है तो इस वजह से मैं कहता हूँ ये हार्ट और ब्रेन के लिए सारी चीजें अलग अलग डायमेंशन है तो सबको करना चाहिए और सबको करने में बीस पच्चीस से ज्यादा नहीं लगता और आचार्य जी आंखों के लिए हम क्या कर सकते आंखों के लिए एक अनुलोम विलोम तो है ही लेकिन साथ में मैं क्या वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों का भी सहारा लेता हूँ मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कोई आए पूरी तरह से सही हो जाए तो अपन एक और मैं यहाँ पर आपको सभी दर्शकों को ये बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं किसी भी बीमारी से ग्रस्त हो जाऊं या मेरे पास दस बीमारियां आ गई मैं सारी योग से ठीक कर लूंगा तो भैया अगर इस भरोसे हो तो इस भरोसे मत रहना ऐसा नहीं होता भगवान ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं आप किसी भी एक मीटर में डाल करके सबको कहना चाहो या आजकल बहुत शब्द प्रयोग हो रहा है कि योग इसके लिए रामबाण है इसके लिए रामबाण है ऐसा नहीं है किसी शास्त्र में किसी ग्रंथ में नहीं लिखा करके भी देखने वालों ने देख लिया हमने भी करके देख लिया बारह साल हमें भी हो गए जिस चीज़ की जहाँ जरूरत होती है जैसे आपातकाल व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया तो भैया उसके पास डॉक्टर के बाद ले जाने की जरूरत है उसको जाकर के वह ऑपरेशन कराने की जरूरत है या जो भी उसकी प्राथमिक चिकित्सा है वो जरूरत है तो उससे आप नकार नहीं सकते इग्नोर नहीं कर सकते नहीं तो वो मर जाएगा जी ठीक है लेकिन जहां पर योग काम करता है वहां योग कराने की जरूरत है और जहां पर एक्यूप्रेशर काम करता है तो मैं इस मर्म चिकित्सा मर्म पद्धति को बड़ा अच्छे मानता हूँ तो मैं क्या सोचता हूँ और मैंने करवा के भी देख लिया और मैं स्वयं भी मैं मेरे ऊपर भी मैंने अनुभव करके देख लिया ये वाली जो हमारे हाथ की जो प्रारंभ की अंगूठे के ठीक पास वाली दो अंगुलियाँ हैं इनके ठीक बीच में यहाँ पर एक अंगूठे से अपन प्रेशर दें तीन सेकंड रोके और फिर धीरे धीरे ढीला छोड़ दें फिर तीन सेकंड रोके फिर ढीला छोड़ दें घड़ी में टाइम देखें पाँच मिनट इस हाथ में और पाँच मिनट इस हाथ में प्रतिदिन करें और एक से तीन महीने लगते हैं नंबर घट जाता है मैंने स्वयं ने अपना घटाया और लगभग अब नाम मात्र का चश्मा रह गया इसीलिए आपके सामने बिना चश्मे के आपके सामने बहुत अच्छी स्पष्टता से अपने जीवन को जीता लेकिन यदि इसको रोज आप दस मिनट करें पांच मिनट यहाँ पांच मिनट और तीन महीने तो और आमल की मिल जाती है चौथा ही चम्मच बच्चे ले सकते हैं और बड़े जो है आधा चम्मच पानी के साथ गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं ये अच्छा हो जाता है आंखों का सिस्टम और आजकल तो बहुत जरूरी इसीलिए क्योंकि जिसको देखो ऑनलाइन वर्क कर रहा है सबके आंखें स्क्रीन के आगे है और रात को ये जादू की डिबिया होता है ना जिसको मोबाइल फोन कहते हैं इसको अनावश्यक रूप से भी लोग आंखों के अंधेरे में उसमें अंधेरे में चलाते रहते हैं आंखों के सामने तो इसको हमें ध्यान रखना चाहिए इसका कम प्रयोग करेंगे तो आंखें सही रहेंगी जी तो अब आचार्य जी जैसे समय थोड़ा सा कम बचा है तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे युवा साथी जो ऑफिस में अधिक टाइम बिताते हैं और उन्हें थोड़ा बहुत भी समय मिलता है तो उसमें कौन कौन से छोटे छोटे आसन है जो कर सकते हैं तो ऐसा है ऑफिस में जब रहते हैं तो ऑफिस में पहले तो पानी पीने का पूरा ध्यान रखें वाटर इनटेक ठीक होगा तो मांसपेशियों में पूरी आपके जल का तत्व बराबर रहेगा तो थकान नहीं होगी और थकान नहीं होगी तो अकड़न नहीं होगी पहला दूसरा आपको बैठे बैठे कंटिन्यू जैसे आठ घंटे का आपका ऑफिस है एकदम बैठे नहीं रहना घंटे दो घंटे में थोड़ा मूवमेंट करना है और मूवमेंट वो चल करके भी किया जा सकता है और बैठ करके करें तो आप इस प्रकार से एक चक्र यूँ लगाए यदि आपकी गर्दन में दर्द रहता है तो आगे आगे नहीं झुकाना इस बात का ध्यान रखना है और इसी प्रकार से एक चक्र इधर लगाए ऐसे तीन से पाँच पार कर देंगे फिर ऐसे ही आपको अपने कंधों से भी इस प्रकार से करना पूरा इसके कई अभ्यास है एक भी ऐसा भी है सर एक ऐसा भी है दोनों को पकड़ करके यूं पीछे से ऐसे मूवमेंट कर लिया तो ये कंधों की मांसपेशियों और कमर तक का प्रभाव फिर इसके बाद यहाँ हम लोअर बैक की बात करते हैं तो लोअर बैक में क्या करना होता है इस प्रकार से घूम दोनों हाथों को ऐसे रख करके आपको लोअर एंड अपर बैक दोनों को मोड़ना है इस प्रकार से रीढ़ की हड्डी को मोड़ने बहुत अच्छे प्रकार से इसका प्रभाव पड़ेगा ताकि आपका लगातार बैठने के बाद भी आपकी कमर नहीं दुखेगी और जब भी हम उठते बैठते हैं तब भी साइड से करवट लेकर हाथों को रख करके उठे बैठे तो हमारी कमर में कभी झटका नहीं आएगा और लगातार बैठने वालों के लिए तो ये वरदान है छोटी छोटी क्रियाएं तो योग आचार्य हेमंत जी आज आप हमारे साथ कार्यक्रम में आए और इतनी सारी अच्छी बातें आपने हमें बताई और बहुत सारे समस्याओं का समाधान आपने हमें दिया और अभी भी मन करता है कि आपसे और भी बातें करते हैं लेकिन एक समय एक छोटी सी बात एक मिनट की और बोल दूं कि युवाओं को अगर योग की बात की जाए तो युवाओं को सबसे बढ़िया काम की होती है कि उनका नशा छूट जाता पॉजिटिविटी आती है और जो नशा नहीं करते वो नशे में कभी नहीं पड़ते क्योंकि ये युवा देश का भविष्य है और युवा देश का भविष्य है इसीलिए हमें सबके तीन शब्दों में मैं इस बात को कहता हूँ कि योगी भोगी और रोगी तीन ही लोग हैं संसार में योगी नहीं बने तो भोगी बन के देख लिया तो भोगी बन के देखा तो रोगी बन गए अब रोगी भी नहीं बनना भोगी भी नहीं बनना अब हमें बनना योगी इसीलिए कहता हूं मैं कि योगी बनो योगी बनो योगी बनो रे भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे नौजवान दुर्व्यसन बुराइयों में फंस रहे आज नौजवान भी बीमारियों में फंस रहे उठो जागो योग से, हाँ उठो जागो योग से से उठो जागो निरोगी बनो रे। भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो जी बहुत ही अच्छे संदेश के साथ आज हमारे कार्यक्रम में आप आए और आपने अंत में बहुत अच्छा संदेश दिया इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर आज आप हमारे साथ जुड़े तो युवा साथियों आज के कार्यक्रम में हमने जाना कि योग किस तरीके से आपको सुदृढ़ बना सकता है और आपकी सभी परेशानियों का अंत कर सकता है वो शारीरिक हो या मानसिक आज के कार्यक्रम में बस इतना ही हमें दीजिए अनुमति नमस्कार